तो मैं उदय अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ बड़े शानदार एमसीक्यूज के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए छोटे छोटे जो एमसीक्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, इन्हें हम लोग समझेंगे, इन्हें हम लोग करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे और निश्चित तौर पे आप सभी का फायदा होने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यू कैन नॉट प्ले देयर। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आंसर देना है यस। तो यहाँ क्या होने वाला है, तो देखिए जो इज लगा हुआ है बी पार्ट में, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, राइट। ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं, जैसे क्या हो गया, कैटल हो गया, राइट, कैवेलरी हो गया, या क्लर्जी हो गया, या जेंट्री हो गया, यस यस, या पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, राइट, पीपल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, ये सारी चीजें याद रखिए। इन सभी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, इन सभी के साथ हमेशा ऑलवेज प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट मैंने आपको बताया, ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी आप लोग टाइम ना वेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल यस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कांट यू सी दैट द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो यू कैन नॉट प्ले देयर, यस यस यस, बहुत शानदार क्वेश्चन। इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज वंस, इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज वंस। तो अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कैटल के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन कैटल्स नहीं होता, ये भी जान लीजिए बेटा। जबरदस्ती आप इसमें एस लगाकर उसे प्लूरल नहीं बना सकते। तो इफ दोज कैटल आर योर्स हो जाएगा, इफ दोज कैटल आर योर्स, हुज आर दीज वंस, क्लियर है? यस, काफी बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता डियर, कैटल वर्ड होता है, क्या होता है, कैटल होता है। थैंक यू थैंक यू, यस कैटल। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। दी जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ, डू नॉट हो जाएगा, यस डू नॉट हो जाएगा, क्योंकि जेंट्री के साथ हमेशा कैसा आता है, प्लूरल वर्ब आता है। जेंट्री के साथ याद रखिएगा, जेंट्री के साथ जो वर्ब आएगा बेटा वो प्लूरल वर्ब आएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब का ही डियर यूज करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। यस, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। अभी मैंने पीछे रूल बताया, ये फॉर्मेट बताया है, तो गलत नहीं होना चाहिए, अभी बताया है बेटा, अभी ये रूल, ये फॉर्मेट पीछे बताया गया आपको, पुलिस 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 जो होता है एक प्लूरल नाउन की तरह काउंट किया जाता है, किसकी तरह काउंट किया जाता है, प्लूरल नाउन की तरह, प्लूरल नाउन की तरह काउंट किया जाता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी कैसा आता है, प्लूरल आता है, तो हैव हो जाएगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, यस द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत शानदार है। अब मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है यहाँ पे आप लोगों को, मुझे ऐसा फील हो नहीं रहा है। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीज,
साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीज, फटाफट बता दीजिए। हाँ देखिए वर्मिन क्या होता है, वर्मिन का मतलब होता है कीट, वर्मिन का मीनिंग होता है कीट, और वर्मिन के साथ भी बेटा हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, तो कैरीज नहीं होगा कैरी होगा, यस कैरी का यूज करें। साइंस हैज प्रूव दैट इवन वर्मिन कैरी डिजीजेस। ओके यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइसेस विच हैव रियली प्रूव्ड एन एलिक्सिर टू मी। यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइसेस, यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेस। यस आई एम वेटिंग, यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेस लिखा हुआ है, एडवाइसेस। तो एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता, याद रखिएगा भैया, एडवाइस होता है। क्या होता है? एडवाइस होता है, गलत नहीं करना है, एडवाइस का यूज होगा। एडवाइस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ये यूज होती है। यस यस यस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस। यस 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 दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज वाई दे आर सो एक्सपेंसिव। यस ऑलरेडी मैंने बहुत बार ये सब आपको पढ़ाया है, फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखना है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो पीसेस लगाना होगा, तो आपको लिखना होगा दीज पीसेस ऑफ फर्नीचर, दीज पीसेस ऑफ फर्नीचर, और दीज पीसेस ऑफ फर्नीचर इज हो जाएगा, आर नहीं होगा पहली बार, इज हो जाएगा क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है। यस यस ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको उसी तरह इसको यूज भी करना है, गलत नहीं करना है बेटा, उसी तरह इसको यूज करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एब्सोल्यूटली फाइन। She had already given you an information regarding that mission. However, she did care even an iota for it. बताइए क्या होगा? She had already given you an information. अगर आप थोड़ा सा देख लोगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शी हैड ऑलरेडी
यस यस, तो देखिए इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे, ना ए का यूज कर सकते हैं ना एन का यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें माइंड में पूरी तरह सेट कर लीजिए, ना ए का यूज होगा यहां पर ना एन का यूज होगा, क्लियर है? She had given, already given you dash information regarding that machine. However, she did hear even an autopoint. ठीक है? I have heard that you are shifting to a new quarter at Andheri tomorrow. I have heard that you are shifting to a new quarter. एट अंधेरी टुमारो, फटाफट बता दें क्या होगा? अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो देखिए पहले समझिए, एक होता है क्वार्टर्स और एक होता है क्वार्टर। तो क्वार्टर का जब विदाउट एस यूज होता है तो इसका मतलब होता है एक चौथाई, राइट? और क्वार्टर्स सही वर्ड होता है, इसका मतलब होता है निवास स्थान। तो यहां क्वार्टर्स होना चाहिए था। क्वार्टर्स हो जाएगा। आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर्स एट अंधेरी टुमारो। कोई दिक्कत तो नहीं? यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। भैया क्वार्टर्स का मतलब होता है निवास स्थान जहां पे रहते हैं आप, और केवल क्वार्टर बिना एस के जो आता है इसका मतलब होता है एक चौथाई, वन फोर्थ। क्लियर है? इस तरह से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और इजिली आप चीजें कवर कर ले जाएंगे। वॉट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स? वॉट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स? तो भाई साहब ऐसा है, फोर्स का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ, और एक वर्ड होता है फोर्सेस, फोर्सेस होना चाहिए। फोर्सेस का मतलब क्या होता है? आर्मी, ट्रूप। यस, ये जो फोर्सेस है ना, ये तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं का, जल थल वायु सबका मिला के जो ग्रुप बनता है फोर्सेस बोलते हैं। तो यहां पर इंडियन फोर्सेस की बात हो रही है। संध्या गुप्ता, ओके, इंडियन फोर्सेस। दीपा, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर दी वर्नल सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग दी मैकेडमाइज्ड रोड्स। ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर दी वर्नल सीनरीज फ्लैंकिंग अलोंग दी मैकेडमाइज्ड रोड्स। यस, तो यहां क्या हो जाएगा? सीनरी हो जाएगा। यस, यहां पे सीनरी हो जाएगा डियर, बिल्कुल सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है, सीनरी हो जाएगा। ओके, सीनरी हो जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी शॉप्स डू यू यूज इन अ मंथ? बताएं, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी शॉप्स डू यू यूज इन अ मंथ?
यस यस यस, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोप हो जाएगा, सोप हो जाएगा, सोप एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो सोप हो जाएगा। या आप यहां पे ऐसे लिखिए पीसेस ऑफ सोप, या इसको आप बार्स भी लिख सकते हैं। यस ओके, डोंट यू नो हिज एंगर्स इज एज डेंजरस एज द फ्लेयरिंग फायर। डोंट यू नो हर एंगर्स, तो एंगर का यूज होगा, एंगर्स कुछ नहीं होता है, एंगर यहां पे आएगा, एंगर इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, राइट। या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, आप फिट ऑफ बोल सकते हैं, या इसको आप बेटा फिट्स ऑफ एंगर भी बोल सकते हैं। एंगर मतलब गुस्सा, ठीक है, तो इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री दैट वन और टू वोंट डू एट ऑल। वेटिंग, कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट बिकॉज आई एम सो हंग्री दैट वन और टू वोंट डू एट ऑल। यस, तो यहां पे जो ब्रेड्स लिखा हुआ है ना, ये ब्रेड्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ब्रेड। या इसको काउंटेबल अगर आपको बनाना है तो इसमें लोव्स लगाइए, लोव्स ऑफ का यूज करना चाहिए, 5 लोव्स ऑफ ब्रेड, है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं लोव्स ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड्स नहीं होगा, ब्रेड हो जाएगा। यस यस यस, क्लास चल रही है। ओके, अ फ्यू डेज एगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइसेस ऑन हाउ टू गिव अ मेक ओवर टू लाइफ। अ फ्यू डेज अगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइसेस ऑन हाउ टू गिव अ मेक ओवर टू लाइफ। अ फ्यू डेज अगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइसेस लिखा हुआ है ना, तो एडवाइस हो जाएगा, एडवाइस का यूज करें। अ फ्यू डेज अगो शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइस ऑन हाउ टू गिव अ मेक ओवर टू लाइफ, ठीक है। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी, तो समझिए पहले यहां हो क्या जाएगा, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, यस। यस थैंक यू। यस, कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड में, हेड वर्ड में एस लगाते हैं, हेड वर्ड में, जो मेन वर्ड होगा, जो हेड वर्ड होगा,
ओनली टूडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज टू सिस्टर इन लॉज। ओनली टूडे आई हैव कम टू नो दैट सनी हैज टू सिस्टर इन लॉज। तो यहां क्या हो जाएगा डियर, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर में एस लगेगा बेटा, सिस्टर्स इन लॉ, लॉज नहीं होगा, लॉ हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शी वॉज ग्रीटेड बाय ऑल द पासर बाय नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। She was greeted by all the passerby near लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन। तो देखो ऐसा है, passerby जो लिखा है ये गलत है, होना चाहिए था passersby यानी राहगीर, राहगीर। थैंक यू। यस यस, दी ककरडूमा कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स अगेंस्ट हिम सो फार बट ही हैज अटेंडेंट टू नन ऑफ देम। दी ककरडूमा कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स लिखा हुआ है ना, तो यहां क्या कर दोगे, समन्सेज हो जाएगा। समन्सेज, 5 समन्सेज अगेंस्ट हिम सो फार बट ही हैज अटेंडेंट टू नन ऑफ देम, समन्सेज हो जाएगा। क्योंकि समन्स एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यस यस, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दो स्टूडेंट हु डोंट वर्क हार्ड। Mathematics are a very difficult subject for those students who don't work hard. तो mathematics के साथ क्या लगेगा, इज हो जाएगा, इज हो जाएगा, एक subject का नाम है ये, ठीक है, इज हो जाएगा। तो यहां पे error है। Yes. तो एक ये जो मैं एमसीक्यू सारे करा रहा हूँ क्लास के बाद, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी ये क्लास, और ऐसी शानदार क्लास मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।